नमस्कार। तो आज हम पूछ रहे हैं कि अपराध की फैक्ट्री पर ताला कब। जैसे कि उत्तर प्रदेश में, वैसे तो सरकार अपराध पर लगाम लगाने की बात तो बहुत करती है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन आपराधिक घटनाओं की खबर सुनने को ना मिले। कहीं चोरी, कहीं लूट, कहीं हत्या, ऊपर से इन अपराधियों में भी पुलिस प्रशासन का कोई डर देखने को नहीं मिलता। ये अपराधी भी कभी कभी खुलेआम प्रशासन को चुनौती तक दे देते हैं। उनका यूं चुनौती देना एक तरह से प्रशासन की प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करता है। आज फिर हम यूपी की कुछ ऐसी वारदातों से आपको रूबरू कराएंगे जिन्हें देखकर आप खुद समझ सकते हैं सुशासन और सुव्यवस्था का यूपी में कितना बोलबाला है। आज हम आपको यूपी की सुशासन की ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इन 5 तस्वीरों को देखिए। इन 5 तस्वीरों में आपको सुशासन, सुव्यवस्था और सुरक्षा की साफ तस्वीर देखने को मिलेगी। हम एक एक कर इन सभी तस्वीरों पर आएंगे और इन्हीं तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि आप कितने सुरक्षित हैं। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं सीतापुर की। सीतापुर के लहरपुर नगर क्षेत्र में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े सड़क पर ऑटो खड़ा करने को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक ऑटो चालक को जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, मौके पर 2 होमगार्ड भी मौजूद थे, वो भी इस दौरान बेबस दिखाई दिए। दबंगई का आलम यह रहा कि पुलिस की मौजूदगी में भी दबंगों की तरफ से गरीब ऑटो रिक्शा चालक की इस तरह से पिटाई कर दी गई। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि पीड़ित की तरफ से पुलिस को तहरीर दी गई है। अब पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है यह देखना होगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरी तस्वीर की ओर, दूसरी खबर की ओर, दूसरी जगह की ओर, जो यूपी के यूपी में दबंगई की एक और तस्वीर को दिखाता है। तो आगे बढ़ते हैं। खबर है बिजनौर की। ये बिजनौर की तस्वीर आप देखिए। बिजनौर के नगीना की तस्वीर है ये। नगीना के अल फैजान मुस्लिम फंड के दफ्तर में फंड का संचालक रातों रात 200 से ज्यादा खाता धारकों की जमा पूंजी और जेवरात लेकर फरार हो गया। यह फंड पिछले 5 सालों से बखूबी चल रहा था। गरीब परिवार के लोग एक एक पैसा जमा कर अपनी गाढ़ी कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा जमा कर फंड में जमा करते थे, ताकि बुरे वक्त में इनका पैसा काम आ जाए। खाता धारकों को जैसे ही इनके भागने की भनक लगी तो खाता धारक बंद पड़े फंड के दफ्तर पर जमा हो गए। घंटों तक खाता धारकों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन कुछ नहीं रहा, सब बेअसर। घंटों चले हंगामे में पुलिस भी मौके पर पहुंची। खाता धारकों ने पुलिस से इसकी शिकायत, लेकिन यह तस्वीर बताती है कि यूपी में लूट खसोट, फ्रॉड गिरी आज भी किस तरह देखने को मिल रही है। भाई साहब, इसमें बैंक में सरकारी प्राइवेट बैंक है, इसमें पैसे रखती थे बैंक है, और विदेश जाने के लिए थोड़ी सी सोने की चीजें इसमें रखती थी, लगभग 8.5 तोले के लपेट में है, और 76,000 में रखी है। पता नहीं चल रहा है कहाँ गया, ये बंद पड़ा है। और मेरी तरह और भी बहुत सारे लड़के हैं जो इस तरीके के रखे हैं। कौन से बैतुलमान में खाता था आपका? क्या नाम है बैतुलमान का? अल्फैजान। आपके कितने रुपए पड़े हैं इसमें? इसमें 7.5 लाख। कब से जमा कर रही थी आप? 2-3 साल हो गए। मैं तो 2 FD तो 2-2 साल वाली। आप यहाँ खुद जमा करने आती थी या घर को ही आता था? ललित आता था। और की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से गरीबों का पैसा लेकर फंड संचालक फरार हो गए। जहां एक तरफ आज प्रशासन से लेकर शासन स्तर तक ये बात कही जाती है कि अब
किस तरह से अपराध पर लगाम लगाई जा रही है, लेकिन इसकी वानगी तो देखने को मिलती है जब आप जमीनी स्तर पर खबरों को समझते हैं और खंगालते हैं। ये उसी की एक वानगी है जो बिजनौर की तस्वीर है, जहां खाता धारकों का पैसा लेकर एक फंड संचालक फरार हो गया। ये गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई लोगों ने एक फंड में जमा की थी ताकि इसका बढ़िया पैसा उनको मिल सके, लेकिन फंड संचालक उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा लेकर रातों रात फरार हो गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिजनौर की तस्वीर है, जो दरअसल यूपी में अपराध के नए नए तरीके, फ्रॉडगिरी के नए नए तरीके, स्कैम के नए नए तरीकों को उजागर करता है और सच्चाई से आपको रूबरू कराता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्योति कुमार हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति। ज्योति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्योति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ज्योति जी से एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, शायद कनेक्शन में कुछ परेशानी है। तो बिजनौर को आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर गरीबों का पैसा लेकर फंड संचालक फरार हो गया। उत्तर प्रदेश की आज की वो पांच तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिन पांच तस्वीरों से आज उत्तर प्रदेश में अपराध की तासीर की हम जानकारी आपको दे रहे हैं। लेकिन इस तासीर में बढ़ते हुए अब हम तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे। तीसरी खबर है औरैया से। दो जगह की आपको जानकारी दी, दो जगह अपराध के अलग अलग, किस तरीके से आप उनको आंक सकते हैं कि किस तरीके से अपराध जो है उत्तर प्रदेश में अपनी सीमाओं को लांघ रहा है। अब तीसरी तस्वीर है औरैया से। औरैया के सहायल थाना क्षेत्र में 75 साल के बुजुर्ग मथुरा प्रसाद के 4 बेटे हैं। मथुरा प्रसाद के छोटे बेटे वीरेंद्र को मां की तरफ से खाना दिया गया, जिसमें नमक को लेकर स्वाद ना होने पर पिता ने बेटे से कुछ कह दिया। इससे बेटे ने बुजुर्ग पिता को धक्का मार दिया, जिससे मथुरा प्रसाद को गंभीर चोटें आईं। इनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं बुजुर्ग मथुरा प्रसाद के बड़े बेटे ने छोटे भाई के खिलाफ सहायल थाना में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। एक और, हालांकि ये पारिवारिक आपराधिक की श्रेणी में आता है, लेकिन औरैया से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की जान ले ली। जिस पिता के साए में, जिस पिता के संबल में वो बड़ा हुआ, पाला पोसा गया, और खुद जवानी में आते ही उसने अपने बुजुर्ग पिता की जान ले ली। सहायल थाना अंतर्गत लखनी एक गांव है, जहां पर श्री मथुरा प्रसाद जो रहते हैं और उनकी पत्नी के साथ में और उनके 4 बेटे हैं। कल शाम को खाना में बनाने के उपरांत उसमें उसको टेस्ट को लेकर के आपस में कुछ विवाद हो गया, जिसमें उनका जो छोटा पुत्र है वीरेंद्र कुमार जो 25 साल का है, उसने कहा सुनी में अपने पिताजी को धक्का दिया और धक्का देने की वजह से उनको काफ़ी चोटें आई और उन चोटों की वजह से इलाज के दौरान रात में उनकी मृत्यु हो गई। तो कलयुगी बेटे की इस करतूत की जानकारी आपको दे रहे हैं। बेटे ने अपने ही पिता को धक्का मार कर काल के काल में उनको भेज दिया। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन तिवारी औरैया से हमारे साथ हैं। नवीन, बताया जा रहा है कि स्वाद को लेकर, खाने में स्वाद को लेकर ये विवाद उपजा, जिसके बाद छोटे बेटे ने अपने पिता को धक्का मार दिया, क्या कुछ मामला है रवि जी? देखिए कबीर, मैं आपको बता दूं कि ये एक अपने आप में एक कलयुग का ही कलयुगी पुत्र कहेंगे, जिसने अपने बेटे को, माफ कीजिएगा, अपने पिता को इस बात पर धक्का दे दिया कि खाना खाने के दौरान कुछ नमक जैसी चीज कम या ज्यादा होने पर विवाद हुआ, जिसके बाद जब बुजुर्ग पिता और आरोपी बेटे की बहस हुई तो उसमें बात इतनी बढ़ गई कि बेटे ने धक्का दे दिया, जिससे पिता मथुरा प्रसाद को गंभीर चोटें आईं और उन्हें आनंद फानंद में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चला, लेकिन
इलाज में किसी भी प्रकार का जब सुधार नहीं हुआ तो कई घंटे बाद उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद मथुरा प्रसाद के बड़े बेटे जगदीश के द्वारा अपने ही छोटे भाई के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई, जहां पर पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ न सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया बल्कि उसे तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया और आगे की विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही। वहीं सीओ सिटी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि ये अपने आप में पारिवारिक विवाद का एक मामला है, जो कि कहीं ना कहीं बात इतनी बड़ी जिसके बाद वो विवाद बन गया और छोटे बेटे आरोपी जिसको बनाया गया है वीरेंद्र जिसका नाम है, उसने अपने पिता मथुरा प्रसाद को धक्का दे दिया जिसमें उनको चोटें आई और उनकी मौत हो गई। जी बिल्कुल, आप इस खबर को थोड़ा नजदीक से समझ रहे होंगे, ये बताइएगा कि पुलिस और जो लोग हैं वो क्या बातें कर रहे हैं। ये जानबूझकर नियत थी उनको मारने की या फिर ये गलती से धक्का दिया और गैर इरादतन हत्या का ये मामला बनता है? देखिए, मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी और फॉरेंसिक टीम कई तथ्यों पर जांच कर रही है। ये पहले से प्रायोजित नहीं कहा जा सकता क्योंकि सभी लोग हंसी खुशी और परिवार के साथ रह रहे थे, जो आम जिंदगी में होता है। जैसे सभी गांव के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं रात में, तो बस ये रोजाना दिनचर्या का एक हिस्सा था। लेकिन बात कब बिगड़ी ये परिवार वाले भी नहीं समझ पाए, लेकिन बात ज्यादा बिगड़ गई जिसके बाद ये घटनाकारित हुई है और बेटे ने गांव में आकर अपने बुजुर्ग पिता को धक्का दे दिया। मौके पर जो अधिकारी पहुंचे वो इस बिंदु पर भी जांच कर रहे हैं, कहीं कोई पहले से तो विवाद नहीं चल रहा था या कोई जमीनी विवाद नहीं था या कोई अन्य कारण नहीं था, शायद बेटे ने इस वजह से विवाद किया, लेकिन अभी कुछ भी तथ्य सामने निकल कर नहीं आ रहे हैं। सीओ सिटी सुरेंद्र सिंह ने मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया, उन्होंने कहा कि हम कई बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और हमें थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद मीडिया के सामने आकर सभी तथ्यों को रखा जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रवि तिवारी जी जुड़े हुए थे जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह ये जो पूरा मामला है वो घटित हुआ, ये घटना घटित हुई। फैक्ट्री पर कब लगेगा ताला, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। बीते 24 घंटों में यूपी में जो आपराधिक घटनाएं हुई उनका एक समूह बनाकर हम आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में अपराध किस कदर हावी है, किस कदर बेकाबू है। चुनावों की बात चल रही है क्योंकि चुनावों की हवा चल रही है, चुनावी मौसम है, लेकिन इस बीच ये अपराध की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। यह अपराध की तस्वीरें दिखाती हैं कि हम आज भी किस साए में जी रहे हैं, जहां पुलिसिया व्यवस्था एक नए पैमाने को, एक स्टैंडर्ड को हिट करने की बात करती है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें हर तरह की बातों पर अंकुश लगाती हुई नजर आती हैं। हमने आपको तीन जगह से खबरें दिखाई, सीतापुर से, बिजनौर से, औरैया से। अब हम आपको प्रतापगढ़ लिए चलते हैं। तो प्रतापगढ़ जब हम चलते हैं तो प्रतापगढ़ से खबर आ रही है कि चोरों के हौसले यहां बुलंदियों की सारी सीमाओं को, बुलंदियों के पहाड़ों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला प्रतापगढ़ के, आपको बता दूं कि संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र का है। चोरों ने एक मेडिकल स्टोर को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दुकान में रखे 30,000 रुपए नकद और महंगी दवाइयां चोरी कर ली। मामले की जानकारी होने पर अंकित कुमार सिंह ने पुलिस को तहरीर दी है। अंकित कुमार सिंह जिनका ये मेडिकल स्टोर है, और फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो प्रतापगढ़ की तस्वीर है जहां पर चोरों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। यहां चोरों ने एक दुकान को अपना निशाना बनाया और 30,000 रुपए की नकदी इस मेडिकल स्टोर से लूट ली है, जिस मेडिकल स्टोर की आप तस्वीरें अभी देख रहे हैं। तो इस मेडिकल स्टोर में चोरी की घटना हुई है, जहां से 30,000 रुपए की नकदी को चोरों द्वारा चुरा लिया गया, जिसके बाद अब मेडिकल स्टोर के संचालक ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस फिलहाल छानबीन में जुट गई है। सीतापुर, औरैया, प्रतापगढ़, इन सभी जगहों की जानकारी देने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर, मतलब अगले अपराध की ओर जो बीते 24 घंटों में यूपी की सरजमी पर घटित हुआ है। यह पांचवा अपराध जो हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम जब बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर ये जो घटना घटित हुई है ये क्या कुछ कहती है। घटना है सुल्तानपुर की। सुल्तानपुर के कुडवार थाना क्षेत्र निवासी समीद बैंक में
50,000 रुपए जमा कर रहा था। समीर बैंक में 50,000 रुपए जमा कर रहा था। इसी बीच बैंक के गेट के पास दो बदमाशों ने उससे पैसे छीन लिए। घटना को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घटना की सूचना पीड़ित ने पुलिस को दी। पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गई है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर ग्रामीण बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। दिन दहाड़े लूट का ये पूरा मामला, जहां समीद नामक युवक ग्रामीण बैंक में 50,000 रुपए जमा कराने जा रहा था, लेकिन दरवाजे के पास ही, बैंक के गेट के पास ही उससे ये 50,000 रुपए दिन दहाड़े सरे रहा बिना किसी खौफ के बेखौफ बदमाशों ने उससे छीन लिए, उससे लूट लिए। और ये घटना दिन के उजाले में हुई है। तो उत्तर प्रदेश में दिन के उजाले में भी बढ़ते अपराध एक नई कहानी लिख रहे हैं। ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हम नए दौर में, जब हम नई एक नई सदी में, एक नए वर्ष में, एक नए साल में जब हम प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद वो घटनाएं आज भी आम हैं जो 90 के दशक में रोजाना की एक आम बात हुआ करती थी। मसलन बैंकों के बाहर लूट, खसोट, छीना झपटी, ये सब आम है। तो क्या दिन दहाड़े ये घटनाएं होना ये नहीं बताती कि आज भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, कि आज भी बदमाश कुछ भी करने से पहले पुलिस की अपने मन में एक भी दफा तस्वीर नहीं देखते और फिर इस तरह की तस्वीर हमारे सामने होती है। मैं अभी आधे घंटे पहले इधर इस्लामगंज बैंक में अभी आया, मैं पैसा जमा करने के लिए। मेरे पास जो है 50,000 रुपये था, तो मैं जैसे अंदर पैसा जमा करने के लिए गया, मेरे पीछे 2-3 लोग और अंदर आए। मैं उनको समझ पाया नहीं ये लोग किस लिए अंदर आ रहे हैं। बाद में उधर 10-15 मिनट के बाद में वो लोग जो है पिस्टल लिए थे, मेरे इधर पेट में लगा दिए। उसके बाद मेरे पास 50,000 रुपये था और 2 मोबाइल था। पांच तस्वीरों का सिलसिला तो यहाँ रुक गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछले 24 घंटों ने उत्तर प्रदेश ने यही सब कुछ झेला हो। उत्तर प्रदेश ने इससे भी ज़्यादा अपराधों को झेला है। ये सारे अपराध हम एक साथ, एक जगह, एक मंच पर अलग अलग खिड़कियाँ बनाकर आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यह पांच तस्वीरें मोटा माटी आपको बताती हैं कि अपराध किस कदर उत्तर प्रदेश में हावी है। इन अपराधों पर लगाम लगाए जाने की ज़रूरत है। ये पांच तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि किस तरह बदमाशों के हौसले आज भी बुलंद हैं। ये पांच तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि पुलिस का खौफ दरअसल उतना नहीं है जितना आपको किताबों, प्रचार और शासन के जरिए बताया जाता है। पुलिस का खौफ उतना नहीं है कि जितना शासन में बैठे बड़े बड़े नेता आपको बताते हैं। पुलिस का खौफ उतना नहीं है जितना पुलिस की गाड़ियां जो हूटर बजाते हुए निकलती हैं, वो आपको ये तस्दीक कराने की कोशिश करती हैं कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन यकीन करिए, ये पांच तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि आप कितने सुरक्षित हैं, कितने नहीं। ये पांच तस्वीरें जो आज हमने आपको दिखाई, इसके बाद आप खुद तय कर सकते हैं कि अपराध में कौन कितना जिम्मेदार है। इन आपराधिक घटनाओं को दिखाकर हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। क्योंकि अगर आपके आसपास छोटी से छोटी घटनाएं होती हैं या बड़ी घटना होती है, तो ये आपका और हमारा नैतिक फर्ज है कि हम उसकी सूचना पुलिस को दें और अपने आसपास किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोकें। ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके सामने ये पांच तस्वीरें पेश कर रहा है। तो ये पांच तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, औरैया से थी, प्रतापगढ़ से थी, बिजनौर से थी, ये सभी तस्वीरें आपको ये दिखा रही थी कि उत्तर प्रदेश में आज भी अपराधों की नई प्रकाष्ठा लिखी जा रही है। दिनों दिन नए नए मामले सामने आ रहे हैं जो खबरों में जगह पा रहे हैं, लेकिन खबरों में दम तोड़ देती है ये खबर, क्योंकि सियासत आजकल हावी है। लेकिन सियासत हावी है, सियासत से खबरों का बाजार पटा पड़ा है। लेकिन क्या हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि जिनके ऊपर या जिनके घरों में या जिन पर ये वारदातें, ये घटनाएं, ये अपराध बीत रहे हैं, वो
किस तरह से इनको संभाल रहे होंगे। शासन की अपनी मजबूरियां हैं, वो आपको दिनों दिन रोजाना ये बात बता बता के नहीं थकेगा कि अपराध पर उनकी सरकार में कितना काबू पा लिया गया। लेकिन ये आपको और हमको सोचना बेहतरी से जरूरी है कि क्या सच में अपराध पर लगाम लगाई जा चुकी है, क्या अपराध पहले के मुकाबलों में कम होता नजर आ रहा है। आंकड़ों की बातें ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आंकड़ों में फेरबदल, आंकड़ों में ऊंच नीच होना आम बात हो चुकी है। अब आंकड़ों पर भी विश्वास करना मैंने अविश्वास करने के बराबर ही है, लेकिन आंखें बंद करके भी नहीं रहा जा सकता। न्यूज वर्ल्ड इंडिया जो ये आपको तस्वीरें दिखा रहा था, ये पांच तस्वीरें जो आपको दिखाई हैं, इन पांच तस्वीरों से किसी भी तरह का स्पष्टीकरण देता हूं कि किसी भी तरह से हम आपको डराना नहीं चाह रहे, हम आपको बस सतर्क कर रहे हैं कि आप सवाल करिए, और सवाल इस कदर करिए कि सरकारों को भी इस बात का इल्म हो, प्रशासन को भी इस बात का इल्म हो कि अपराध किस कदर आम लोगों के बीच हावी है, अपराध किस कदर जगह बनाए हुए हैं, और बदमाशों में खौफ क्यों कम हो रहा है जब पुलिसिया तंत्र के पास हर तरह का तंत्र उपलब्ध है, जब हर तरह का आज संसाधन उपलब्ध है, जब पुलिस आज सभी संसाधनों से लैस है, तब इस कदर अपराध क्यों हावी होते जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल को साथ मैं आपको और भी कुछ सवाल दिखाता हूं, और यहां से आपसे रुखसती लेता हूं, आपसे विदा लेता हूं। लेकिन विदा होने से पहले मैं आपको कुछ सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इन सवालों को ध्यान से देखिएगा और खुद अपने आप से पूछिएगा कि ये क्या सच में आज की तस्वीरों पर आए सवाल नहीं है तो और क्या है। सवाल लीजिए।